गुड मॉर्निंग क्लास 5, कम ऑन टू पेज नंबर 22 ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक. टुडे ऑल्सो वील कंटिन्यू विद द सेम स्टोरी नेटिव विजडम, बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी यू विल अंडरलाइन द वर्ड्स. सो द फर्स्ट वर्ड इज अपियरिंग, डिवॉइड, अटेंशन, क्रीचर्स, ग्लेड, हमिंग बर्ड, फ्लिटिंग, Liana, fallen, patterned, boa constrictor, spin, dangerous, nettle. So I hope everyone has underlined the words. So let's now start with the explanation. They pass through solid vegetation, dark, damp, and appearing to be devoid of any living being. Appearing matlab dikhna. Devoid का मतलब without, है ना, जहाँ पे कोई ना हो. अब जो टूरिस्ट और लियोन थे, ये लोग सॉलिड डेंस वेजिटेशन से गुजर रहे थे. जहाँ डेंस वेजिटेशन मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे प्लांट्स थे, बहुत सारी बुशेस थी, बहुत सारी ग्रास थी, और वहाँ पे बहुत अंधेरा था, और ज़मीन और जो पेड़ पौधे थे ना, सब बहुत गीले थे, और ऐसा दिख रहा था कि वहाँ पे कोई लिविंग बींग है ही नहीं. It was only when Leon stopped and drew his attention that the tourist would see the many, many different creatures of the rainforest. और Leon जो था वो tourist का attention draw कराता था different creatures की तरफ जो rainforest में मिलते थे. He would realize, for instance, that the moth he saw flitting from flower to flower in a forest glade was actually a hummingbird. Flitting मतलब फुदकना, इधर से उधर फुदकना. जैसे आपने देखा होगा जो बर्ड होती है फ्लावर के तरफ इधर उधर फुदकती है, कभी इधर फ्लावर पे जाती है, कभी उधर उधर फ्लावर पे जाती है, है ना. ग्लेड का मतलब आपका होता है एक ग्लेड, एक जंगल में ओपन स्पेस होता है जहाँ पर घास उगती है, ठीक है. वहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं होते हैं, लेकिन ओपन स्पेस होता है जहाँ पे आप बुश देखोगे, बुशेस देखोगे या ग्रास देखोगे, ठीक है. हमिंग बर्ड क्या होती है? हमिंग बर्ड इज अ टाइप ऑफ बर्ड, फाइन. सो उसे लगता था, फॉर इंस्टेंस, कि उसे लगा कि ये एक मौत है जो पेड़ जो फूलों पे इधर से उधर फुदक रहा है. मौत क्या होता है? मौत एक्चुअली एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है जिसके विंग्स बहुत बड़े होते हैं और ये रात में उड़ता है, ठीक है. तो उसे लग रहा था कि एक मौत उड़ रहा है फ्लावर्स की तरफ, है ना, लेकिन एक्चुअली वो एक हमिंग बर्ड थी, वो इंसेक्ट नहीं थी, वो बर्ड थी. द थिक लियाना ड्रेप्ड ओवर अ फॉलन ट्री विद अ रिचली पैटर्न बार्क हैड अ फ्लैट हेड एट वन एंड ऑफ इट, फॉर इट वॉज रियली अ बोआ कंस्ट्रिक्टर लाइंग इन वेट फॉर इट्स प्रे. अब उसे लगा, उसने देखा कि एक थिक लियाना, लियाना क्या होती है? लियाना एक टाइप का वुडी क्लाइंबर होता है. क्लाइंबर जानते हो ना आप, जो एक दूसरे पेड़ का सहारा लेकर उगता है, है ना, दूसरे पेड़ के पेड़ से लिपटता है, ठीक है. फॉलन मतलब गिरा हुआ. बोआ कंस्ट्रिक्टर इज अ काइंड ऑफ स्नेक दैट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका, फाइन. तो उसने देखा कि एक क्लाइंबर है, एक लियाना है जो गिरे हुए पेड़ के ऊपर बहुत ब्यूटीफुली लिपटी हुई है, लेकिन एक्चुअली वो क्लाइंबर जो था वो क्लाइंबर नहीं था, वो एक बोआ कंस्ट्रिक्टर था, एक स्नेक था जो अपने शिकार के लिए वेट कर रहा था. प्रे मतलब शिकार, है ना. वो ऐसे लिपटा हुआ था पेड़ के ऊपर मानो कि एक क्लाइंबर हो, लेकिन वो क्लाइंबर नहीं, वो एक्चुअली में एक स्नेक था. अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है. फ्रॉम द पिक्चर यू विल गेट अ मोर क्लियर व्यू. अब मैंने वहाँ पे बताया था कि उसने एक मौत देखा, है ना, इसने एक मौत देखा, लेकिन एक्चुअली एक मौत या इंसेक्ट नहीं थी, ये एक बर्ड थी, हमिंग बर्ड थी, जो फ्लावर पर फुदक रही थी, इधर से कभी इस फ्लावर पे आती, कभी इस फ्लावर पे आती. अब फिर उसने एक देखा, एक क्लाइंबर देखा, लेकिन ये एक्चुअली क्लाइंबर नहीं था, ये स्नेक था जो अपने प्रे के लिए वेट कर रहा था. प्रे मतलब शिकार. He would reach out to pick its pretty flowers only to have Leon spin around, strike his hand away and tell him that what he was about to touch was a dangerous nettle. अब जो टूरिस्ट था वो
उसने हाथ बढ़ाया पेड़ तोड़, एक फ्लावर तोड़ने के लिए, एक फ्लावर प्लक करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जो लियोन था वो तुरंत मुड़ा, पीछे घूमा और उसने टूरिस्ट को रोका और उसे बताया कि जिस चीज़ को तुम अभी छूने वाले थे ना, तुम जो फ्लावर तुम तोड़ने वाले थे या प्लग करने वाले थे, वो फ्लावर, वो लीव बहुत ही डेंजरस है, वो एक नेटल है। नेटल क्या होता है? नेटल एक बहुत डेंजरस फ्लावर होता है जिसको आप अगर छूते हो तो ऐसा लगता है कि उसने आपको डंक मार दिया। तो लियोन जो होता है वो टूरिस्ट को रोकता है ऐसा करने से। सो टुमारो विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। सो अंडरलाइन द वर्ड्स, प्रैक्टिस द प्रोनाउंसिएशन एंड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ द हार्ड वर्ड्स।